गलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा धधकेला देहिया ऐसे पुअरा के अगिया राजा सुलगे जवानिया हमार जैसे आहारा ओहू पसुत जाला जाके तू बहारा काहे करे ललड़ी कैया बोला बतानी छय गल बजा के ए राजा जी मुसहरी लगा के काहे करे ललड़ी कैया बोला बतानी छय गल बजा के तैयार झीला घर बात कवन बात के डर बा अरे सुना सुना ए हसीना मन लगता कहीना मुश्किल भइल बा जीना ए डार्लिंग तोहरा बिना। नमस्कार, मैं गीता राजा सिंह और आज हम मधुकर सर के घर पे आए हुए हैं और अभी एक फिल्म की म्यूजिक सीटिंग में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग हाल ही में मुकद्दर फिल्म के गाने हम लोग कम्प्लीट किए और जो शूटिंग पे भी फ्लोर पे गई है, कल से चालू है शूटिंग। और अभी अगला सीटिंग में हम लोग बैठे हैं प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन से, जिसमें दिनेश जी हीरो हैं। और अभी हम सर बैठे हुए हैं, कवि जी भी आए थे लेकिन चले गए। आजाद जी के साथ बड़ा हम भी कंफर्ट फील करते हैं, साथ में मिलजुल के काम करते हैं। ऐसे तो गिनती नहीं करता हूँ अपने काम का, लेकिन लगभग 35-40 फिल्म कर चुका हूँ और गाने तो 400-500 से ऊपर लिख चुका हूँ। बहुत अच्छा है, हम लोग मज़ा आ जाता है कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो एक सपोर्ट भी मिलता है इनका। और जब भी हम कुछ शब्द हमारे माइंड में आता है तो बोलते हैं तो तुरंत ऑन द स्पॉट कंपोज करके हम लोग को देते हैं, तो हम लोग को लिखने में सहूलियत मिलता है। थोड़ा सा एनर्जी होता है कि हाँ और कुछ क्या, क्योंकि हम लोग भी लिखते लिखते बोर हो जाते हैं की टाइप का, तो थोड़ा सा कंपोजिशन का सपोर्ट मिल जाता है तो थोड़ा सा और अच्छा लिखने में मज़ा आता है। आज़ाद जी बहुत सुलझे हुए गीतकार हैं और रेपिटेशन बहुत कम होता है इनके शब्दों में। वैसे तो सब मैक्सिमम फिल्मों में एक ही टाइप के सिचुएशन मिलते हैं हम लोगों के गानों के, लेकिन ये लिखना चाहते हैं हमेशा मौलिक चीज़ें और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खुद भी अपना कोई भी ट्यून बनाना चाहता हूँ ना, तो वो कहीं से टच ना हो ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन कोशिश होता है कि हर चीज़ें एकदम अलग हो, एकदम डिफरेंट स्टाइल हो, तो उसमें ये बड़ा सपोर्ट करते हैं इनके जो भी गाने। अब जैसे छलका दामे भी इन्होंने जो लिखा है, तो जवानी छलक रही है तो गगरी का पानी बहुत लोगों ने छलकाया है, लेकिन इन्होंने बाल्टी का पानी छलकाया है। मैंने एकदम समसामयिक जो वर्णन होता है ना वो इनके शब्दों में होता है। आजकल गगरी से कोई पानी नहीं भरता है हमारे यूपी बिहार में, सब लोग बाल्टी से ही जाता है पानी भरने, समय के हिसाब से। इन्होंने बाल्टी में पानी छलकाया है, तो ये इनकी खासियत है। देखिए आज़ाद जी को हम लग रहा है कि जब से खेसारी भाई आए हैं, इसके 2-3 साल बाद आज़ाद जी भी आ गए थे, तो तकरीबन 4-5 साल से हम इनको जानते हैं, लेकिन गीतकार के रूप में इनको 2-3 साल से हम जान रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिट जैसे गाना छलका था हमरी जवानियां हुआ है, इस टाइप का देवरा बड़ा सतावेला में मेरा गाना हुआ था, उसके 2-3 गाने हुए थे जैसे हम सोतले रहनी उसन धनिया मोर बड़ी, आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। इसके बाद गाना हिट हुआ था मेरा ये रेलगड़िया चला वाला बलमुआ, बहुत बड़ा गाना हिट हुआ था। इसके बाद एक गाना हुआ था अपना एक पिक्चर में, ले जा मुनिया के बम्बई बाजार दुकान तेरा खूब चलेगा, एक आरा जिला पर गाना हमारा हिट भइल रहे। अरे सुना सुना ए हसीना मन लगता कहीना मुश्किल भइल बा जीना ए डार्लिंग तोहरा बिना रात भर सुता तानी फोटो तोहर लेके मन बिगाड़ देले बाड़ू चुमा देके मूड बिगाड़ देले बाड़ू चुमा देके। बढ़िया चले वाला गाना ये सब बड़ी सन, मुन्नी भाई नौटंकी वाला गाना बहुत हिट रहे, पवन पुरवैया गाना बहुत हिट रहे, लागेलू समतोला नियन तू कबले अखिया लड़ी ड्यूटी डबल करे के पड़ी अभी ना डबल रस नहीं गरी ड्यूटी डबल करे के पड़ी। बहुत कमर्शियल था ये गाना। इसके बाद ताला में चाबी डाल दो ए हो करे जा ताला में चाबी, ये सब गाना हिट था। अभी मेरा लेटेस्ट एक गाना ये बड़ा अभी हिट हुआ, खेसारी भाई गाए हैं, गलतारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा
तो फीमेल बोलती है कि धधा केला देहिया यही से पुअरा के अगिया राजा। ये पहले हमरे धुन मनावल हो जौन अपने गईले रहें कारी काज रारी रे अखिया मधनियन बतिया है अरे जैसने कल्पना हो रहे ओसने सुरतिया है। खेसारी भाई कहल कि हमू भैया गावल चाहते हैं गाइए आपके लिए, फिर नया स्टाइल में हम बनाते हैं, नया स्टाइल में बनाया गाना हिट हो गया। लड़की बोल रही है सुलगे जवानिया हमार जैसे आहारा ओहु पसुत जाला जाके तू बहारा। सुलगे जवानिया हमार जैसे आहारा ओहु पसुत जाला जाके तू बहारा। काहे करे ललड़ी कैया बोला बतानी छाए गल बजा के ए राजा जी मुसाहरी लगा के। काहे करे ललड़ी कैया बोला बतानी छाए गल बजा के ए राजा जी मुसाहरी लगा के। ये गाना हम बनैले रही लेकिन उनका अच्छा लगल तो अपन से ही गाना बजा के करके उन्होंने डाल दिया अपने एल्बम में, मैं ही बनाया था और बड़ी गाना चला। आज जो भी लोग हैं किसी को भी देख लीजिए, कोई भी गंदा गा के बहुत ऊपर नहीं चल गया है। सबको सपोर्ट करना चाहिए, कलाकारों को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो इनको कोऑपरेट करना चाहिए। एक छोटे से बंगाल के लोग आज इंटरनेशनल लेवल पे गिने जाते हैं लोग, गुजराती लोग इंटरनेशनल, छोटी सी मराठी आज 100 करोड़ की श्वास पिक्चर सैराट पिक्चर 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस की सैराट पिक्चर, उसमें गाने देखे मात्र 4 ही गाने लेकिन कितना बढ़िया सब है गाना और कितना अच्छा बिजनेस किया है। पूरी में गंदगी को पहली बात तो दर्शक से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम इग्नोर करिए, गंदे चीज को एकदम इग्नोर करिए। जैसे देखिए ना ये गाना, क्योंकि आप लोग इग्नोर कर दोगे तो हम लोग बनाना जो भी बनाने वाले बंद कर देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम बा भाई, भोजपुरी में जो अच्छे लोग हैं आप लोग क्यों नहीं देखते हैं सिनेमा भोजपुरी का, आप लोग क्यों नहीं सराहते हैं अच्छे गाने, आप लोग क्यों नहीं सराहते हैं। गंदा गाना बनवाया जाता है हमसे, वो गाना हिट हो जाता है, अच्छा गाना बनाता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर उसी का उदाहरण देता है, बोलता है कि देखें आपने जिद में अच्छा गाना बनाया, कहाँ कोई सुना। हमारे जान लेके जान कहाँ चल गईलू जान हो, माटी में मिला दिहलू सारा अरमान हो, प्रीत में हमके दगा दिहल तू, दिल के दर्द बढ़ा के। तो थोड़ा सा हम लोग को कोऑपरेट करना चाहिए कि इसका स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए कि हम लोग भी कहीं सम्मान से जी सके, कितने के बात कर सके। भोजपुरी में हम लोगों को सुधार लाना चाहिए, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, चाहे आप डायरेक्टर हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे आप हीरो हों, चाहे आप दर्शक हों, सब लोग हम लोग मिलजुल के प्रयास किया जाए। छोटी छोटी हरकतें हैं ना, ये सब अगर गायब कर दिया जाए ये मतलब चीप टाइप का, तो ये भोजपुरी भी एक अच्छे स्टैंडर्ड में आ सकती है। बेसिकली हमारा यह सोच बा कि भोजपुरी आगे बढ़े। आज हम लोग बहुत जम के बात किए इस प्लैनेट भोजपुरी चैनल पे, और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हेल्दी बात शायद हमने आज के पहले कभी नहीं किया होगा। इसमें रामचंद्र जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिल के आइए, जैसे सफाई अभियान नरेंद्र मोदी साहब ने चालू किया वैसे इंडस्ट्री का भी सफाई अभियान हम लोग चालू करें और आप लोग अपना अपना सहयोग दें। मुझे जब कहिएगा तब आपके साथ मैं खड़ा हूँ, हमारे भोजपुरी में गंदगी को साफ किया जाए। नमस्कार। प्लैनेट भोजपुरी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे मतलब बातों को दर्शक के बीच में पहुँचा रहे हैं, और उम्मीद रहेगा कि आगे दर्शक जरूर हमारा सपोर्ट करेगी और सारे कलाकार भी सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्लैनेट भोजपुरी को और रामचंद्र जी को, फिर हम आगे मिलते रहेंगे आपसे, लेकिन आप हमारी बातों को ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आगे से हम लोग सब कोऑपरेट करें भोजपुरी को और भोजपुरी को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग भी सम्मान और गर्व से जी सकें। प्लैनेट भोजपुरी।